मारुति बलिनो फेसलिफ्ट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब मारुति इसके सीएनजी वेरिएंट को भी इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसको लेकर के मारुति बलिनो सीएनजी की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। और रिसेंटली मारुति बलिनो सीएनजी को टेस्टिंग के वक्त पहली बार स्पाइक कर लिया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप बलिनो और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर राइट बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2022 मारुति बलिनो सीएनजी की स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2022 बलिनो सीएनजी वेरिएंट के रियर एंड को देख सकते हैं, जहां इस टेस्टिंग वेरिएंट पर इमिशन टेस्टिंग किट भी फिटेड दिख रही है, जो कि इस बात को कंफर्म करती है कि मारुति नई बलिनो के सीएनजी वेरिएंट्स को ही टेस्ट कर रही थी इमिशन नॉर्म्स के लिए। बाकी इसकी एलईडी टेल लाइट इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये फेसलिफ्टेड बलिनो ही थी जिसमें कि सीएनजी की टेस्टिंग चल रही थी। चलिए अब दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके साइड प्रोफाइल की एक झलक देख सकते हैं, जहां इसको 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए हुए थे, जो कि हमें नई बलिनो में भी देखने को मिलते हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद से मारुति नई बलिनो को फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ टॉप प्रिंट्स में भी ऑफर कर सकती है, जो कि काफी सारे बायर्स को अट्रैक्ट करेगी। तो ये तो होगी 2022 मारुति बलिनो सीएनजी की स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बलिनो सीएनजी में हमें 1.2 लीटर डुअल जेट वीवीटी नेचुरली एस्पिरेट पेट्रोल सीएनजी बाय फ्यूल इंजन मिलेगा, जो कि पेट्रोल मोड में 90 पीएस की पीक पावर और 113 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और सीएनजी मोड में यही इंजन 77 पीएस की पीक पावर और 98.5 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलेगा। तो ये तो होगी 2022 बलिनो सीएनजी के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। बलिनो सीएनजी वेरिएंट्स में हमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैम्प्स, रैप अराउंड एलईडी टेल लाइट्स, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, शार्क फिन एंटीना, कीलेस एंट्री, यूवी कट ग्लास, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 9 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay, Suzuki Connected CarTech, Remote Commands, Heads Up Display, Automatic AC, Rear AC Vents, Surround Sound System by Arkhamis Sound, Automatic IRVM, Automatic Headlamps, Rain Sensing Wipers, Leatherette Seats, Leather Wrapped Steering Wheel and Gear Knob, Flat Bottom Steering Wheel with Mounted Audio MID and Cruise Controls, 4.2 inch Digital MID, Follow Me Home Headlamps, फ्रंट सेंटर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में इस कार में हमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा विद डायनामिक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2022 मारुति बलिनो सीएनजी के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। मारुति इस बलिनो को 7 लाख से 11 लाख के बीच प्राइस कर सकती है, और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च जून 2022 में है, और लॉन्च होने के बाद ये टाटा टियागो सीएनजी, टाटा टिगोर सीएनजी और मारुति डिजायर सीएनजी जैसी गाड़ियों के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2022 मारुति सुजुकी बलिनो सीएनजी से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।